हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे जेई का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिए हैं तो दोस्तों अब आप लोग को रेलवे जेई का आंसर की का और रेलवे जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट का इंतजार होगा। तो दोस्तों इस न्यूज़ के माध्यम से रेलवे जेई का आंसर की और रेलवे जेई का रिजल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे और साथ में रेलवे जेई के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों रेलवे जेई की बात करें तो अगर हम सभी जगह की बात करें तो रेलवे जेई में लगभग 75 से लेकर 76% स्टूडेंट उपस्थित हुए हैं और उस हिसाब से आप सभी को पूरी जानकारी हमने पहले भी दिया है और रेलवे जेई का सीबीटी 1 का कितना कटअप जाएगी इसकी भी जानकारी हमने आप सभी को दिया है। उसके बाद रेलवे जेई की बात करें तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलवे जेई का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है और उन सभी बच्चों का फिर से एग्ज़ाम तिथि घोषित किया जाएगा और उन सभी बच्चे का फिर से रेलवे जेई का सीबीटी 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आंसर की बात करें तो रेलवे जेई का आंसर की एग्ज़ाम जो आपका 2 जून को समाप्त हुआ है और 2 जून को समाप्त होने के डेट से 40 से लेकर 45 दिन के अंदर रेलवे जेई का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग पूरी न्यूज़ देखें। यानी इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि पहले चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी की दूसरे चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा होने के बाद उत्तर कुंजी और आपत्ति मांगी जाएगी। यानी दोस्तों उत्तर कुंजी आप लोगों को रिजल्ट के लगभग 20 से लेकर 25 दिन पहले उत्तर कुंजी जारी किया जाएगा। उसके बाद इस हिसाब से दूसरे चरण की परीक्षा में कम से कम 2 माह का समय लगने की संभावना है। यानी रेलवे जेई का रिजल्ट जो जारी होगा सीबीटी 1 का लगभग एग्जाम के 2 माह बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसमें सीबीटी 1 एग्जाम में जो बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा इसमें 15 गुना बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर के लिए 13,487 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अब इसके दूसरे चरण की परीक्षा होगी और पहले चरण की सीबीटी का परिणाम जारी करेगा और इसमें चुने गए अभ्यर्थी को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। पहले चरण का परिणाम अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों रेलवे जेई का सीबीटी 1 रिजल्ट के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में रेलवे जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।